Manandakaram Prasannam Jnanasvarupam Nijabodharupam Yogendra Medyam Bhavarogavaidyam Srimad Gurum Nityamaham Nama Yasyam Gripankaj Parag Paraprabhavat Bhutva Kriti Kriti Matam Sriti Macharam Tang Sadgurum Satata Sarva Sukham Sadagriyam Vande Sada Vimalabodha Ghanam Vichitram Vandam Guru Pada Kanja Kripar Sindhu Nararupa Hari Mahamohatam Apunja Jasu Vachanara Vikarnikar Mera Mujhme Kuch Nahi Jo Kuch Hai Sab Tor Tera Tujhko Saupate Kya lagega mo? Manchasin sammananiya sadhu samad. Manav jivan ka sabse mahatvapurna karma karne hetu padhare hue satsang premi sajjan brind matao tatha bahano. संत तुलसी साहब द्वारा रचित घट रामायण से एक पद्य की एक दो पंक्तियां कल मैंने आप लोगों को सुनाया दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए आकाश से भी अधिक सूक्ष्म हमारा मन है और मन से भी अधिक सूक्ष्म चित्त है और चित्त से भी अधिक सूक्ष्म हमारा जन्म जन्म का किया हुआ अशुभ कर्म का संस्कार है जब तक हमारे चित्त के अंदर अशुभ कर्मों का संस्कार रहेगा तब तक हमारा मन भजन में स्थिर नहीं हो सकता भजन के समय कभी मन में तमोगुण प्रवेश करता है और कभी रजोगुण प्रवेश करता है जन्मार्जित अशुभ कर्म ही
हमारे मन में भजन में विक्षेप पैदा करने वाले ये दोनों मलिन गुणों को प्रवेश कराता है। जब मन में तमोगुण प्रवेश करता है तब भजन के समय आलस्य आने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, मन में मूढ़ता सठता निकृष्टता हिंसा आदि का असुर भाव उदित होने लग जाता है। बैठे थे भजन करने के लिए लेकिन भजन के समय हमारा मन असुर बनकर राक्षस बनकर हमारे भजन को समाप्त कर दिया। जब मन में रजोगुण प्रवेश करता है तब संकल्प विकल्प होने लगता है, मन में बहुत तरह के गुनावन होने लग जाते, अनावश्यक विक्षेपकारी शब्द अनावश्यक विक्षेपकारी रूप सामने आने लग जाता है। जिस कारण मन भजन से उपरत हो जाता है, अभ्यासी के अंदर विक्षेप पैदा हो जाता है, भजन करने की रुचि समाप्त हो जाती है। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर, हमारे चित्त के अंदर हमारे अंतःकरण के अंदर जो जन्म जन्म का संचित पाप है उसको साफ करने के लिए कहा, खत्म करने के लिए कहा। और हमारा वह पाप दो रूपों में हमारे सामने भजन के समय में आता है, या तो अनेक प्रकार के गुनावन के रूप में या अनेक प्रकार के रूप के चिंतन में। कभी बहुत तरह की कथा कहानी में मन लग जाता है और उसी में लगते लगते भजन का समय समाप्त हो जाता है, और कभी अनेक प्रकार के दृश्य जो वर्तमान जीवन में देखे हैं वह, और जो वर्तमान जीवन से पहले देखे हैं वह भी। बहुत अभ्यासी कहते हैं, महाराज जो जो दृश्य कभी हमने जीवन में नहीं देखा भजन के समय वह भी आने लग जाता है। हम लोग केवल वर्तमान जीवन को देखते हैं लेकिन हमारे भजन को बिगाड़ने वाला जो अनेक प्रकार के दृश्य हैं, अनेकों गुनावन हैं, वे केवल वर्तमान जीवन के ही नहीं हैं, सृष्टि के आदि काल से जितने शुभाशुभ कर्म हुए हैं उन समग्र कर्मों का संस्कार हमारे मन के ऊपर है।
हम नहीं जानते लेकिन हमारा मन सब कुछ जानता है। दूसरी बात, कुछ दृश्य को मन अपने से भी संकल्पित करके प्रकट करता है। अपने आप से मन अनेक प्रकार के दृश्यों को बना लेता है। अपने आप हमारा मन अनेक प्रकार के शब्द समूह को एकत्रित कर लेता है। जैसे कोई अमेरिका की बात सामने करता है, बस मन अमेरिका का चिंतन करने लग जाता है। ऐसा मकान होगा, ऐसी गली होगी, ऐसी सड़कें होंगी, इस तरह के आदमी होंगे। न कभी गए न कभी देखे, अमेरिका शब्द सुनते ही मन अमेरिका को बनाने लग जाता है। क्या क्या वहाँ बातचीत हो रही है, क्या क्या लोग बोल रहे हैं, अपने आप मन उसको गढ़ने लग जाता है। तो बहुत सारे चिंतन तो जन्मों के अर्जित हैं, बहुत सारे चिंतन को मन अपने संकल्प शक्ति से उत्पन्न कर लेता है। इसीलिए मन की व्याख्या करते हुए महापुरुषों ने कहा, संकल्प विकल्प कार को मनः, संकल्प विकल्प करने वाले को मन कहते हैं। कुछ बात को यह मन स्वीकार करता है, कुछ बात को मन स्वीकार नहीं करता है। कुछ काम को यह मन स्वीकार करता है, कुछ काम को यह मन स्वीकार नहीं करता। कुछ शब्द को यह मन स्वीकार करता, कुछ शब्द को स्वीकार नहीं करता। कुछ रूप को यह मन स्वीकार करता, कुछ रूप को स्वीकार नहीं करता। कुछ रस को स्वीकार करता, कुछ रस को नहीं स्वीकार करता। यही है संकल्प विकल्प, कुछ को ग्रहण करता, कुछ को ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार से करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है। कुछ ना कुछ अभ्यासी के अंदर में यह करते ही रहता है। यही दिल का हुजरा के अंदर अशुभ कर्मों का संचय है, जिसका दर्शन अभ्यासी को भजन के समय में होता है। बहुत लोग इस कुंभ के मेले में पाप को धोने के लिए तो आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पाप किसको कहते हैं। अब पाप हमारे अंदर में कहाँ रहता है, पाप धुला कि नहीं धुला, पाप को कैसे धोया जाएगा। बस इतना ही मान लेता है कि हम आए, स्नान किए, पाप धुल गए। इतनी बातों से काम नहीं चलेगा। कल चर्चा हुई थी, सृष्टि के आदिकाल से जितने शब्दों को हमने कानों से सुना है, जितने शब्दों को हम मुंह से बोला है, जितने रूपों को हमने आँखों से देखा है, सबका संग्रह हमारे अंदर में है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जो सब संग्रह किया हुआ है, जो सब पहले का रील तैयार है, वह सब निकलना शुरू होता है। उन सब चीज़ों के निकलते रहने के कारण जो हमें जपना चाहिए वह हम जप नहीं सकते, जिस रूप को हमें देखना चाहिए उस रूप को देख नहीं सकते, और जहाँ दृष्टि मन को एकाग्र करना चाहिए वहाँ एकाग्र कर नहीं सकते। जब हम खेती करते हैं तो खेत में बीज बोते हैं, आवश्यक बीज तो एक निकलता है और उसके चारों तरफ
उस बीज की शक्ति को कमजोर करने के लिए अनेकों अनावश्यक घास उत्पन्न होती है। खेतों में देखते होंगे, असली चीज, असली पौधा कम और नकली अनावश्यक पौधे बहुत सारे उगाते हैं। यदि किसान अनावश्यक पौधों को खेत से बाहर नहीं निकालता रहे तो असली पौधा जो है, जिस पौधा से अन्न निकलेगा, वह पौधा कमज़ोर हो जाएगा। संभव है कि इतना कमज़ोर हो जाए उसमें अन्न का दाना भी नहीं निकले। कबीर साहब की वाणी में, दुविधा दूब छोल करु बाहिर, बोवो नाम की धानी हो, गगन घटा घहरानी साधो गगन घटा घहरानी। दुविधा दूब छोल करु बाहर, अनेकों प्रकार के अनावश्यक चिंतनों को मन से हटाते रहें, मन से हटाते रहें। कल रील की बात हुई थी कि जन्म जन्म से शुभा शुभ कर्म जो है उसी का रील हमारे मन में तैयार है, अनेक नाम और रूप में जो भजन के समय विक्षेप पैदा करते हैं। जब वह रील तैयार हो चुका है, अब उसको ख़त्म करने का क्या उपाय है? हमारे वैज्ञानिकों ने पूर्व के भरे हुए शब्द को, पूर्व के भरे हुए रूप को, एक स्विच को दबा एक स्विच होती है, जिस स्विच को ऑन कर देने से पहले के जो संग्रहित शब्द और रूप होते हैं उसको खारिज कर दिए जाते हैं और फिर उसी रेल पर दूसरे शब्द, दूसरे रूप को भर दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि कैसेट में जो पहले से भर कर रखे हैं उसको खारिज कर दिया जाता है और फिर उसी कैसेट में दूसरी चीज भर दिया जाता है। जन्म जन्मांतर से हमारे चित्त में, हमारे मन में जो अनेकों शुभाशुभ कर्मों के संस्कार जमे हुए हैं, रील बनकर तैयार हैं, जो भजन के समय अनेकों विक्षेपकारी दृश्य के रूप में प्रकट होते हैं, उनको यदि समाप्त करना चाहते हैं, यदि उन सब चीज़ों को खारिज करना चाहते हैं, मन से हटाना चाहते हैं, चित्त से हटाना चाहते हैं और फिर से आवश्यक चित्र को, आवश्यक रूप को तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए एक उपाय है। दीक्षा के समय में जिस मंत्र का जप करने के लिए बतलाया गया है, दीक्षा के समय में जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, दीक्षा के समय में
जहाँ देखते हुए जहाँ दृष्टि और मन को एकाग्र करते हुए जप करने के लिए बतलाया गया है, रूप का चिंतन करने के लिए बतलाया गया है, ठीक आँख और मुँह को बंद करके अंदर के उसी लक्ष्य की तरफ देखते हुए मंत्र का जप करते रहें और इष्ट के रूप का चिंतन करते रहें। जितनी देर मंत्र का जप होगा, जितनी देर इष्ट के रूप का ध्यान होगा, आप समझिए पहले के संग्रहित नाम और रूप बहुत मात्रा में खारिज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक भी हम कह सकते हैं दृष्टि यदि दोनों आँखों के बीच में रहे, मन दृष्टि के साथ में ही रहे, गुनावन और नींद से अभ्यासी बचकर रहे, फिर जो जप होगा तो याद रखिए सुषुम्ना में दृष्टि को, आज्ञा चक्र में दृष्टि को लगाते हुए एक बार भी मंत्र का जप हो गया तो याद रखिए एक जन्म में जितने नाम रूप का चिंतन मन से हुआ है वह खारिज हो जाएगा। दो बार यदि मंत्र का जप हुआ तो दो जन्म का खारिज हो जाएगा। तीन बार इस तरह से मंत्र का जप हुआ तो तीसरे जन्म का खारिज हो जाएगा। जाप करते समय गुरु महाराज ने जो कहा है, जाप ऐसा हो कि जप हो और आप हो। इस तरह का जप यदि आप दो मिनट भी करते हैं तो मैं कहूँगा बहुत कुछ करते हैं। जाप करते समय दृष्टि सुषुम्ना की तरफ रहे, वहाँ से ख्याल इधर उधर नहीं जाए, कोई चिन्ह अंदर में दिखाई पड़े चाहे नहीं दिखाई पड़े, उधर केवल ख्याल रहे और जाप चले। एक एक बार के मंत्र जब से एक एक जन्म का शब्द खारिज होता जाएगा। सुषुम्ना नारी में पूर्वार्जित अशुभ संस्कार को खत्म करने की बहुत जबरदस्त ताकत है। सुषुम्ना की तरफ देखते हुए यदि इष्ट के रूप का चिंतन किया जाए, चिंतन में रूप आए चाहे नहीं आए, यदि हम कोशिश भी करते रहें एक क्षण भी संसार का रूप नहीं आए, केवल गुरु के बताए रूप का चिंतन भी होता रहे, तो एक जन्म के रूप का जो संस्कार है वह खत्म हो जाएगा। एक क्षण भी सुषुम्ना की तरफ देखते हुए अन्य चिंतनों से मुक्त होकर जो रूप का चिंतन होता है, तो इस चिंतन के फल से एक जन्म के रूप का संस्कार खत्म हो जाएगा, अनावश्यक रूप खत्म हो जाएगा। इसीलिए योग शिखो उपनिषद में भगवान शिव ने कहा, गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नारहंति षोडशीम्।
गंगा सागर के लिए कहते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वहाँ स्नान की बड़ी महिमा है। भले ही दुनिया के लोग गंगा सागर का अर्थ नहीं जानते हैं, नहीं के बराबर लोग जानते हैं, लेकिन महिमा है सब तीर्थ में स्नान करने का। पुण्य एक बार वहाँ डूब लगाने से प्राप्त होता है। गंगा हमारी सूरत है, चेतन है, निर्मल जीव है, इंद्रियों से, विकारों से, तीनों गुणों से, जड़ात्मक मंडलों से निर्मुक्त हुआ जो चेतन जीव है वही गंगा है। परमात्मा ही सागर है। सब दुर्विकारों से निर्मुक्त होकर विशुद्धावस्था में जीव जो एक क्षण परमात्मा का चिंतन करता है, उस एक क्षण के चिंतन से सृष्टि के आदि काल से अब तक जितने भी बंधनदायक कर्म हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सूरत रूपी गंगा परमात्मा रूपी सागर में मिल गई। इस एक क्षण के मिलन का जो आनंद है, सुख है, उस सुख का वर्णन हो नहीं सकता। सारी दुनिया के पवित्रतम कर्म से जो सुख आनंद प्राप्त होता है, इस सुख के बराबर कुछ भी नहीं है। गंगा सागर का तो बड़ा विचित्र अर्थ संतों ने किया है, फिर भी बाह्य लोग जो अर्थ समझते हैं उसके आधार पर भी भगवान शिव कहते हैं गंगायां सागरे स्नात्वा। गंगा सागर में स्नान करने से जो पुण्य होता है, नत्वा च मणिकर्णिकाम, काशी में एक मणिकर्णिका घाट है, शिव जी का मंदिर ऊपर में नीचे गंगा बह रही है, वहाँ स्नान करने का बड़ा महत्व है। उस घाट को प्रणाम भी कोई कर ले तो उसका भी बड़ा फल होता है, ऐसा बतलाया गया है। तो शास्त्रकार कहते हैं गंगा सागर में स्नान करने से जो पुण्य होता है और मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करने से जो पुण्य होता है, इस पुण्य को एक तरफ रहने दीजिए और इड़ा पिंगला के मध्य में जो सुषुम्ना नामक नाड़ी है, बाएं दाएं के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में जो सुषुम्ना नामक नाड़ी है, उस नारी का आँख और मुंह को बंद करके शरीर मस्तक गर्दन को सीधा और स्थिर करके केवल विचार भी अभ्यासी करता रहे कि यहाँ पर वह नारी है, दिखलाई नहीं दे रहा है, अब तक वह नारी का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ देखने से, जहाँ दृष्टि और मन को एकाग्र करने से वह नारी प्रकट होती है, उस स्थान का मन में चिंतन भी कोई कर ले, उस स्थान का मन में कोई विचार भी कर ले, इस विचार मात्र से जो मन में सात्विक गुण का संचार होता है और मन में सात्विक गुण के संचार होने से जो मन की पवित्रता होती है, मन की पवित्रता के होने से जो मन में पुण्योदय होता है, इस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी पहले के कहे हुए पुण्य नहीं। मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नारहंति सोडसि, चारों तरफ आप लोग कहीं यज्ञ की ध्वनि सुन रहे हैं, कहीं दान की बात सुन रहे हैं, कभी कहीं
तप की बात सुन रहे हैं, कहीं और कुछ चर्चा सुन रहे हैं, यहाँ तो बस यही सब सुनने को मिलेगा। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, यह नहीं सोचिए इतना सब जो हम सुन रहे हैं हम कुछ भी नहीं हैं, ऐसी बात नहीं। भगवान शिव की नगरी में हम लोग बैठे हैं और भगवान शिव अपनी नगरी में बैठे हुए भक्त को ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुसुम्ना ध्यान लेसस्य कलांग नारहन्ति षोडशि। अनेक यज्ञ कुंभ के मेले में घूमिए, कहीं सतचंडी महायज्ञ, कहीं रुद्र महायज्ञ, कहीं विष्णु महायज्ञ, न जाने कितने यज्ञ यहाँ एक दिन में हो रहे हैं। बस भगवान शिव ने अनेक शब्द का प्रयोग किया, न एक अनेक, एक नहीं अनेक यज्ञ। अर्थात वैदिक धर्म ग्रंथों में जितने प्रकार के यज्ञ हैं सारे यज्ञ को समझ लीजिए, अनेक यज्ञ। दान शब्द का बहुवचन है दानानि। वैदिक धर्म ग्रंथों में दान के जितने प्रकार हैं, अन्न दान, गोदान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, सोना दान, चांदी दान, दान के जितने प्रकार हैं, बहुवचन का शब्द है, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, जितने भी प्रकार के दान हैं, और व्रतानि यहाँ भी बहुवचन है, जितने भी व्रत हैं प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जाइए, फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जाइए, इतने ही तो व्रत हैं। तीस दिन का एक महीना होता है, तीस व्रत होते हैं। सब आदमी तीसों व्रत नहीं कर सकते। एक माई को मैंने देखा था, लगभग एक महीने में 15 व्रत कर लेती थी। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक, एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन व्रत करती रहती थी। भूखे प्यासे रहते रहते 50 साल के बाद उसके शरीर का पित्त बिगड़ गया। पित्त के बिगड़ जाने के कारण पूरा शरीर जर्जर हो गया। पानी पिए तो पानी नहीं पचे, अन्न खाए तो अन्न नहीं पचे, शरीर एकदम से कछुआ के खोखला के जैसा हो गया। देह उसी तरह से दिखलाई पड़ रही है। मैं जब उनसे एक बार मिला तो मेरे से कहने लगी, महाराज भगवान से कहो भगवान उठा ले, बड़ा कष्ट हो रहा है, भगवान उठा ले। मैंने कहा, महीने में 15 भगवान की उपासना कर रही थी तो 15 में से 2-4 भी नहीं सुनते हैं, उनसे न कहो, हमसे पूछ करके व्रत उपवास की थी, वो 15 व्रत जो की हो, हर व्रत के जो एक एक देवता हैं, हर तिथि के जो एक एक देवता है, उन देवता से कहो कि महाराज उठाओ, पूजा पाठ करो दूसरे की, अब फल मांगो दूसरे से, कहो उन देवताओं से क्या फल मिला, फल की जगह पर देह की दुर्दशा। गीता में इसको
आसुरी व्रत बताया गया है, आसुरी तप बताया गया है, शरीर को कष्ट दे दे करके जो व्रत उपवास आदि किया जाता है उसको आसुरी व्रत कहते हैं, आसुरी तप कहते हैं, उसका आसुरी फल मिलता है। हमें तो भगवान की बात बहुत अच्छी लगती है। अनुगीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो नित्य नियम से दो बार ही भोजन करता है, तीसरी बार मुंह में कुछ नहीं लगाता, और जो दिन में कभी भी नींद में नहीं जाता, लेटा भले रहे लेकिन निद्रा भी भूत नहीं हो, जो कभी दिन में निद्रा भी भूत नहीं हो, नींद में नहीं जाए, उनको प्रतिदिन एकादशी करने का पुण्य और रात्रि जागरण करने का पुण्य होता है, रोज जगराता का पुण्य। जो दिन में कभी नहीं सोएगा, रोज जगराता का पुण्य। बड़े बड़े शहरों में जगराता, भगवती जागरण, भागवती जागरण, भागवती को भी सता रखा है और अपना भी रात भर परेशान। जो दिन में कभी नहीं सोता उनको रोज भागवती जागरण का पुण्य, साईं जागरण का पुण्य, जितने भी जागरण होते हैं वो सब पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान शिव कहते व्रतानि। आप लोगों को ऐसा रास्ता में बतला रहा हूं और प्रमाणिक, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से, प्रमाणिक भगवान शिव से बढ़कर कौन बताने वाले होंगे। आप रोज यहाँ पर खीर खाएं, गुलाब जामुन खाएं, जो जो बन रहा है सो सब खाएं, और देख लीजिए नियम भी दो बार का ही है। सुबह के सत्संग के बाद तुरंत घंटी बजती है और रात्रि सत्संग के बाद तुरंत घंटी बजती है। हम भी आप लोगों के साथ दो ही बार, ये निगम तीसरी बार खा लेंगे। रोज एकादशी का पुण्य आप लोगों को, जो दो बार ही ले रहे हैं उनको रोज एकादशी का पुण्य। और जिनकी जठराग्नि बहुत तीव्र है उनके लिए हम काहे के लिए कुछ कहेंगे, लेते रहें, करते हैं एकादशी, लेकिन द्वादशी की दादी है वह बात नहीं। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि, दुनिया के सारे व्रत उपवास करने से जो पुण्य होता है। नियम शब्द में भी बहुत बहुवचन है, नियमाह। यज्ञ में बहुवचन, दान में बहुवचन, व्रत में बहुवचन, नियम में बहुवचन। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान, ये पांच नियम हैं, नियमाह। सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कलांग नारहंती सौडसी। एक क्षण भी जो अपनी दृष्टि और अपने मन को सुषुम्ना में ठहरा लेता है, एक क्षण, दूसरा क्षण नहीं, आंख बंद कर आंख खोलने में जितना समय लगता है, इतना समय भी दोनों आंखों के बीच में अपनी दृष्टि को टिका देता है, एक क्षण के लिए वहां से दृष्टि नहीं हटती, तो इस स्थिरता से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, मन में पवित्रता आती है, मन में सात्विक भाव का संचार होता है। इस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी जो सब बताए गए वह नहीं है, वह पुण्य नहीं है। बैठे बैठे सारे यज्ञ, सारे दान, सारे तीर्थ, सारे यम नियम का पुण्य आपको हो रहा है,
लेकिन उनको हो रहा है, ऐसे नहीं कि सब ताली बजा दीजिए, उनको हो रहा है जो आंख बंद करके सही में वैसा कर रहे हैं। उत्तर गीता में भगवान का वचन है, मुहूर्तमपि योगच्छेन नाशाग्रे मनसा सह सर्वंग तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। मुहूर्त का भी अर्थ यहाँ पर एक क्षण ही है, एक क्षण भी, मुहूर्तमपि योगच्छेन नाशाग्रे मनसा सह, जो अपने मन के सहित एक क्षण भी नासाग्र में जाकर ठहरता है, दूसरा क्षण नहीं लगेगा। शिप्रा में स्नान करने के लिए तो बहुत लोगों को बहुत समय लगा होगा, यहाँ मैं आप लोगों को सहज स्नान करवा रहा हूँ। मुहूर्तमपि योगच्छेन नाशाग्रे मनसा सह, एक क्षण भी जो मन के सहित नासाग्र में जाकर ठहरता है, दोनों आँखों के मध्य में अपने को टिका देता है, वहाँ से मन हिलता नहीं, दृष्टि हिलती नहीं, एक क्षण भी ऐसा हो जाए, सर्वंग तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्, दिल का हुजरा साफ कर हो जाएगा, हुजरा साफ हो जाएगा। सर्वंग तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्, सर्वंग तरति पापानां, पाप के समुद्र को आप पार कर जाएंगे। जन्म जन्म से जो अर्जित कर रखे हैं पाप, वो सब सुहा हो जाएगा। सुसुम्नायां सदा गोष्ठिं यह कश्चित् कुरते नरः स्वमुक्तः सर्व पापेभ्यो निःश्रेयस्मवाप्नुयात्। सुसुम्नायां सदा गोष्ठिं यह कश्चित् कुरुते नरः। गोष्ठी कहते हैं सभा को, रोज अखबार में आ रहा है, यहाँ पर महात्माओं की सभा हुई, पहले कौन स्नान करेंगे, बाद में कौन करेंगे, सारी व्यवस्था के विषय में रोज सभा हो रही है, लेकिन असली अभ्यासी, असली साधु, असली साधक कैसी सभा करता है, कहाँ सभा करता है, भगवान शिव बतलाते हैं, सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यह कश्चित् कुरुते नरः। जो मनुष्य सुषुम्ना में सदा गोष्ठी करता है, सभा करता है, सुषुम्ना के इर्द गिर्द ही घूमता है, मन तो टिक कर रह नहीं सकता, आरंभ में मन भागता है, लेकिन जो बारंबार उसी तरफ मन को लगा कर रखता, ठहरे नहीं ठहरे, भाग जाए फिर भी वहीं पर समेट कर लाए, जो दिन रात अपने मन को सुषुम्ना के ही इर्द गिर्द में लगा करके रखता, उसी चिंतन में, उसी विचार में, उसी लक्ष्य की तरफ, उसी के ध्यान में, जिस किसी भी तरह से सुषुम्ना में ही जो लगा रहता है, सौ मुक्त सर्व पापे भ्यो, पहले तो बतलाया गया 100 जन्म का अर्जित पाप, लेकिन यहाँ शिव जी कहते हैं जो सदैव 24 घंटे जिस किसी भी तरह से सुषुम्ना में ही अपने को लगा कर रखता है, 100 मुक्त सर्व पापे भी हो, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त होना ही यथार्थ में
परम कल्याण है, परम मोक्ष की प्राप्ति है, निःश्रेयस मवाप्नुयात, परम कल्याण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कहीं जाना पड़ेगा इसके लिए, बैठना पड़ेगा, आना जाना खत्म करना पड़ेगा। नज़र बचा बचा करके इतना उपदेश देने पर भी लोग इधर उधर चले ही जाते हैं। बैठना पड़ेगा, सभी पापों से मुक्ति बारंबार बतलाया जा रहा है। पाप खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया, इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। प्रामाणिक रूप से पाप का नाश, प्रमाण जो दिया गया कि पाप का ये स्वरूप है, यह स्वरूप नहीं दिखेगा आपको, निःश्रेयस मवाप्नुयात, आपका परम कल्याण परम मोक्ष हो जाएगा। सुसुम नैव परं तीर्थम, सुसुम नैव परो जपः, सुसुम नैव परम ध्यानम, सुसुम नैव परागति। सब भगवान शिव बोल रहे हैं, सब भगवान महाकालेश्वर बोल रहे हैं। महाकालेश्वर भगवान की नगरी में महाकालेश्वर का उपदेश मैं सुना रहा हूँ। यहाँ आकर कोई अपना ही चलाए, भगवान की बात को नहीं सुने, तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा। आज दुनिया में बस इसी बात की लड़ाई है, को और की। बहुत लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ये कौन सा मानना हुआ? हम आपको मानते हैं महाराज, लेकिन आप की नहीं मानते। आप जो कह रहे हैं वह हम नहीं मानते। इसी को कपटी शिष्य कहते हैं। गुरु को माने, गुरु की नहीं माने, कपटी शिष्य का लक्षण। कितना अच्छा शीर्षक था, गुरु पूरा हो शिष्य धीरा हो तब वह हीरा पावेगा। शिष्य वह है जो गुरु कहे वह माने। महाकाल की नगरी में महाकाल का उपदेश, और सामान्य पुरुष को भगवान उपदेश नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं। जगत सर्जनकर्ता को भगवान उपदेश दे रहे हैं। सुषुम नैव परम तीर्थम, भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे मंदिर में आ जाओ यही सबसे बड़ा तीर्थ है, मेरी नगरी में आ जाओ यही सबसे बड़ा तीर्थ है, इस नदी में स्नान कर लो यही सबसे बड़ा तीर्थ है, मेरा जाप कर लो यही सबसे बड़ा तीर्थ है, मेरे लिंग का दर्शन कर लो यही सबसे बड़ा तीर्थ है। दुनिया के लोग दुनिया को मूर्ख बना सकते, लेकिन संत भगवंत समाज को मूर्ख नहीं बना सकते। ये साफ साफ बोलते हैं। भगवान शिव की नगरी में हम बैठे हैं, और भगवान शिव जो साफ साफ बतलाया है वह सुनाया जा रहा है। सुषुम नैव परम तीर्थम, जितने भी विशेषण के अंग हैं उन समग्र विशेषणों में महापुरुषों ने बतलाया है परम विशेषण सबसे श्रेष्ठ होता है। अति भी विशेषण है लेकिन सब गौण है, परम विशेषण सबसे श्रेष्ठ होता है, उससे बड़ा कोई विशेषण नहीं होता है। सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, जिससे बढ़कर कोई विशेषण नहीं हो। सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है।
तीर्थ शब्द का भी अर्थ एक दिन यहाँ पर सुनाया गया था, तीर्ण धातु से तीर्थ शब्द बना हुआ है जिसका अर्थ होता है उद्धार करने वाला। आज बहुत सारा अखबार यहाँ आएगा, बहुत सारे अखबार यहाँ छप रहे हैं कुंभ के मेले में, बहुत लोग अखबार ले लेकर के आएंगे, लाखों लोग कल स्नान किए हैं, उनमें से मोक्ष कितने को मिला पढ़ेंगे अखबार में। लाखों लोग स्नान किए, सबके सारे पाप धुल गए, कितने कितने लोगों के पाप धुले वह भी देखेंगे। लाखों लोग स्नान किए, मोक्ष कितने को प्राप्त हुआ यह भी आप सुनेंगे पढ़ेंगे। यह जरूर अखबार में आएगा, इतने लोग डूब गए, इतने लोगों के भीड़ भाड़ में पैर टूट गए, हाथ टूट गए, सिर फूट गए, इतने के झोला गायब हो गए, इतने की अटैची चोरी हो गई, इतने की अंगूठी खुल गई, इतने की चैन छीन लिए गए। पाप से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, पुण्य का दर्शन, अपना उद्धार कितने का हुआ यह देखने को नहीं मिलेगा अखबार में। सुषुम्नैव परं तीर्थम, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, उसका तीर्थत्व आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। अयोध्या नगरी की महिमा हमने बहुत सुनी, बहुत ग्रंथों में देखा, ऐसी अयोध्या, ऐसी अयोध्या। भगवान राम ने अयोध्या नगरी की बड़ी प्रशंसा की है। हाँ, भगवान राम के समय में उस अयोध्या की बड़ी महिमा होगी। लेकिन कुछ वर्ष पहले अयोध्या में 15 दिनों का ध्यान शिविर हुआ, हम लोगों ने देखा उस नगरी की हालत। सुअर गलियों में घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, खच्चर घूम रहे हैं, कितनी गंदगियां हैं, कितने ठग हैं, कितने चोर हैं, कितने महंत जेल में हैं। भगवान को बेच दिया, कितने मंदिर के महंत बहुत पहले की बहुत कीमती धातुमय मूर्ति को बेच दिए, पकड़े गए तो जेल में है। मंदिर में चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, वहाँ मांस भी बिक ही रहे हैं, नशा भी बिक ही रहे हैं, झूठ भी लोग बोल ही रहे हैं, और सतीत्व का कितना पालन लोग कर रहे हैं, कितने पत्नी व्रती हैं, कितने पातिव्रत धर्म के पालन करने वाली हैं, जा कर के देख सकते हैं। तो जहाँ पाप के पांचों अंग विराजते हों उसको हम तीर्थ कहेंगे। ठाकुर स्वहाति उपदेश साधु को नहीं करना चाहिए। जहाँ पांचों पाप रोज होते हों वहाँ रहने से, वहाँ जाने से मनुष्य का उद्धार हो सकता है, बताइए। तो दुनिया में आज कौन ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में ये पांच नहीं हो रहे हैं?
वहाँ के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, नशा नहीं पी रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, निंदा शिकायत नहीं कर रहे हैं, बताइए कौन ऐसी जगह है? दुनिया में कौन ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में लोग पांच पाप नहीं कर रहे हैं? तो जहां पाप हो रहे हैं, जहां मन पाप कर रहा है वहां सतोगुणी वातावरण होगा कि तमोगुणी वातावरण होगा? तमोगुणी वातावरण में रहने वाला यदि मर गया तो कहां जाएगा? श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण का वचन, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, जिसका मन सदैव सत्व गुण में रहता है, पवित्र चिंतन में लगा रहता है, जिसका मन कभी भी विषयों का चिंतन नहीं करता, विषय का चिंतन करने वाला रजोगुणी मन होता है, विषय भोग में डूबे रहने वाला तमोगुणी मन होता है, और इन दोनों से उपरत होकर परमार्थ चिंतन में लगा रहने वाला मन सतोगुणी मन कहलाता है। जिसका मन निर्मल होता है, विशुद्ध होता है, विषय चिंतन से रहित होता है, ऐसा निर्विषय मन वाला व्यक्ति जब देह का त्याग करेगा तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, उसका ऊर्ध्वगमन होगा। आप लोगों का हाथ देखिए अपने आप घूमने लगेगा। यदि कोई अच्छा काम करता है, वह देह का त्याग करता है, तो अपने आप उनके विषय में आपका हाथ ऊपर चला जाएगा, वह तो स्वर्ग गया होगा। स्वर्ग की बात आती है तो हाथ ऊपर चला जाता है, अपने हाथ ऊपर चला जाएगा, वह तो मरने पर स्वर्ग गया होगा, बड़ा धर्मात्मा। जो पाप कर्म में दिन रात लिप्त रहता है, उनके लिए हाथ अपने नीचे चला जाएगा, मरने पर घोर नरक में जाओगे। नरक की बात आती है तो हाथ अपने नीचे चला जाता है, स्वर्ग की बात आती है तो हाथ अपने ऊपर चला जाता है, हाथ को कुछ कहना नहीं पड़ता है। इससे सिद्ध होता है पुण्यमय लोक ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, हमारे शरीर का ऊपर वाला भाग जो है वह ब्रह्मांड कहलाता है, अर्थात उसका ऊर्ध्वगमन होगा, उसकी गति ब्रह्म की तरफ होगी, ब्रह्म लोक की तरफ उसकी गति होगी। जिसका मन तमोगुणी होगा उसकी गति नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नरक है, नव द्वार वह नरक का द्वार है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जिसके मन से पाप नहीं होते, जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, विशुद्ध है, परमार्थ चिंतन में जिसका मन 24 घंटे लगा रहता है, ऐसा मन वाला व्यक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, जिसका मन पाप में लिप्त रहता है उसके मन का अधोगमन होता है। दुनिया में कोई आदमी बोलेगा मेरे सामने कि झूठ बोलने वाला स्वर्ग में जाएगा, चोरी करने वाला स्वर्ग में जाएगा, नशाओं का सेवन करने वाला स्वर्ग में जाएगा, हिंसा करने वाला स्वर्ग में जाएगा, व्यभिचारी स्वर्ग में जाएगा, जिनके द्वारा ये पांचों पाप होंगे उसकी कभी ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। पाप जो है हिमालय पहाड़ से भी ज़्यादा वजनदार है। एक पाप यदि हो गया, समझिए हम अपने मन के साथ हिमालय पहाड़ को बांध दिया,
हिमालय पहाड़ को लेकर के उड़ना जितना कठिन है उससे भी ज़्यादा कठिन एक पाप को करके ऊर्ध्वगमन करना है। सारे दिन यदि पाप होता रहा तब क्या होगा, असंख्यों हिमालय पहाड़ को हम सूरत में बांध करके ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ पाएंगे? ये पाप घसीट करके न जाने किस रसातल में लेकर के जाएगा। आप किसी भी तीर्थ का नाम बताइए मेरे सामने आकर, कोई भी व्यक्ति, जितने तीर्थ सेवी हैं, तीर्थ यात्री हैं, तीर्थदर्शी हैं, कोई भी मेरे सामने कहिए दुनिया के किस तीर्थ में कोई पाप नहीं होता है, बताइए किसी तीर्थ का नाम। यदि पाप होता है तो वहाँ उद्धार नहीं हो सकता, जहाँ पाप होगा वहाँ उद्धार की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाप वृत्ति को नीचे की तरफ लेकर जाता है, ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। हाँ, कहीं कम पाप होता है, कहीं विशेष पाप होता है। कोई ऐसा तीर्थ है जहाँ कम पाप होता है, कहीं अधिक पाप होता है, लेकिन कम विशेष। भगवान राम के समय में बहुत पवित्र होगा, भगवान कृष्ण के समय में वृंदावन बहुत पवित्र होगा, लेकिन अब वही वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण के समय में जिस वृंदावन की चर्चा हम पढ़ते हैं, क्या वही वृंदावन आज है? यदि वह भी होगा तो परिवर्तन हुआ है। यदि वही अयोध्या हम कह सकते हैं तो उसमें परिवर्तन हुआ है। राम के समय में जैसी अयोध्या होगी वैसी अभी नहीं है, कृष्ण के समय जो में जो वृंदावन था वह अभी नहीं है, शिव के समय में जो काशी नगरी थी वह अभी नहीं है, परिवर्तन हुआ है। दुनिया के सारे तीर्थों में उत्थान और पतन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वहाँ के वातावरण बदलते रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा तीर्थ है जिसकी पवित्रता सृष्टि के आदिकाल से अब तक बरकरार हो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, आगे भी परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं? कोई ऐसा तीर्थ संसार में है? उस तीर्थ का नाम बताइए आप। बाहर में वह तीर्थ कहीं भी नहीं है, बता नहीं सकते। भगवान शिव ने उस तीर्थ का नाम बताया, सुषुम्नैव परम तीर्थम। सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पहले भी पाप नहीं हुआ, अभी भी पाप नहीं हो रहा, आगे भी नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कितना भी बड़ा तीर्थ कोई क्यों ना हो, राम के समय की ही अयोध्या हो, कृष्ण के समय का ही वृंदावन हो, शिव जी के समय का ही काशी नगरी हो, जितने भी तीर्थ हैं, उस तीर्थ के जो देवता हैं, उस देवता के समय का ही मान लिया जाए वह तीर्थ हो, लेकिन कोई कह सकता है कि झूठ बोलने वाला वहाँ नहीं पहुँचेगा, वह जल करके स्वाहा हो जाएगा? कोई कहेगा झूठ बोलने वाला वहाँ नहीं पहुँचेगा? कोई कहेगा कि चोरी करने वाला वहाँ नहीं जा सकता है? कोई कहेगा कि नशाओं का सेवन करने वाला उस तीर्थ में जाएगा तो जल कर राख हो जाएगा? कोई कहेगा कि हिंसा करने वाला वहाँ जाएगा तो मर जाएगा, व्यभिचारी जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा? कोई कह सकता है? चोरी करने वाला भी जा सकता है, झूठ बोलने वाला भी जा सकता है, सब पाप करने वाला किसी भी तीर्थ में जा सकता है। प्राय ऐसे लोग ही जाते हैं तीर्थ में। असली भक्त तो चौकड़ी मार करके बैठ करके असली तीर्थ का चिंतन करते हैं। जिसको पाप का बहुत डर है, जो दिन रात बहुत पाप करते हैं, वे ही पाप को धोने के लिए भटकते हैं। जो पाप करते नहीं वो काहे के लिए भटकेंगे? उनको धोने की क्या चिंता है? जिनको नरक में जाने की चिंता है उनको पाप धोने की चिंता है।
जो पाप करते ही नहीं उनको नरक में जाने की चिंता ही नहीं, जब नरक में जाने की चिंता ही नहीं तो धोने साफ करने की क्या बात है, पुण्यकर्मी पुरुष को कोई चिंता नहीं। कौन ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में कोई पाप करने वाला नहीं जा सकता, बताइए। कौन ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में जाने पर कोई पाप नहीं होता, और कौन ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ का सेवन करने के बाद फिर उससे कोई पाप नहीं होता, बताइए। उस गति है, इसीलिए कहा सुषुम नैव परो गति। सुषुम्ना नारी सर्वोत्कृष्ट नारी है, सुषुम्ना की तरफ देखते हुए सुमिरन करने से बस सुमिरन होगा और कुछ नहीं होगा। सुषुम्ना की तरफ देखते हुए इष्ट रूप का चिंतन करने से सही में इष्ट का चिंतन होगा और कुछ नहीं होगा। यदि मन को निर्मल बनाना चाहते हैं, दिल दरियाओं को साफ करना चाहते हैं और अपने हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराना चाहते हैं तो ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। गैर उसको कहते जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, गैर उसको कहते हैं जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है उसको गैर कहते हैं। यहाँ भी हम कभी कभी गेट पर आदमी को रखते हैं कि फालतू आदमी को अंदर नहीं आने देना। हमारा आदमी पहचान लेता है कि ये हमारे शिविर का आदमी है और ये फालतू आदमी है। फालतू आदमी को देखने से संदेह होता है, कभी वो कोई खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए सबको बैच दे रखे हैं, परिचय पत्र दे रखे हैं कि पहचान होगी हमारा आदमी है। जिसके साथ पहचान पत्र लगा हुआ है वो हमारा आदमी है, जो बिना पहचान का है, जिसको हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ऐसे को गैर कहा जाता है। अब विचार करके देखिए हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, गैर में। गैर में हमारा ध्यान लगा हुआ है, हमारा मन गैर में लगा हुआ है, हमारा मन सदैव गैर का ही चिंतन करता है। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, परमात्मा को छोड़कर हमारा मन जहाँ जहाँ जाता है समझिए वो गैर है। परमात्म चिंतन को छोड़कर हमारा मन जहाँ जहाँ जाता वह गैर है। परमात्म भक्ति को छोड़कर हमारा मन जो जो करता है वह गैर काम है। ध्यान गैरों का उठा, गैर में जो हमारा ध्यान लगा हुआ है वहाँ से ध्यान को हटाना है। ध्यान गैरों का उठा। एक कुर्सी पड़ी हुई है, कोई सामान्य आदमी बैठा हुआ है, यदि उस जगह पर कोई शहर का प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाए, कोई श्रेष्ठ महात्मा आ जाए, कोई बहुत बड़े ऑफिसर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जो आदमी फालतू का कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको बैठे रहने देंगे आप? उठो उठो, बैठने दो इनको, यहीं पर कुर्सी लगी हुई है। बहुत लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर भी, यदि यहीं पर शिवराज सिंह चौहान आ जाए आप क्या कहेंगे उनको? बैठिए कुर्सी पर, जो बैठे हुए अच्छा थोड़ी देर आप इनको बैठने दीजिए, आदर से कहेंगे। अनादर का भाव नहीं है, जिस किसी भी तरह से समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति है सम्मान देना आवश्यक होता है, आप जरूर कहेंगे बैठिए कुर्सी पर। जो पहले से बैठे हुए हैं उनको कहिएगा आप नीचे बैठ जाओ। बड़े आदमी के लिए बड़ा स्थान होता है, श्रेष्ठ आदमी के लिए श्रेष्ठ स्थान होता है। जिनको हम ध्यान में देखना चाहते हैं
उनसे भी बड़ा संसार का कोई आदमी हो सकता है, बताइए। तो ध्यान में जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको देखने के लिए गुरु ने बतलाया है दीक्षा के समय में, उससे भी बड़ा कोई आदमी हो सकता है। यदि आपकी निगाह में उससे बड़ा कोई आदमी है तो आप शिष्य नहीं। आपको क्या हीरा दिखेगा, कोयला देखते रहिए सारे जीवन। जिस शिष्य को, जिस भक्त को इष्ट रूप को छोड़कर किसी और रूप में भी किंचित श्रद्धा है, तो समझिए वो नकली भक्त है, वह नकली शिष्य है। जैसे श्रेष्ठ आदमी के आने पर सामान्य आदमी को कुर्सी पर से उठा दिया जाता है, वही तुलसी साहब कहते हैं ध्यान गैरों का उठा। जन्म जन्म से तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन पर काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, लोभ मोह बैठा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष बैठा हुआ है, जन्म जन्म का किया हुआ अशुभ संस्कार बैठा हुआ है। यदि ध्यान में मन को स्थिर करना चाहते हैं तो गैर आपके मन को स्थिर नहीं होने देगा, जो अपना है उसी में आपका मन स्थिर होगा, लगेगा। इसीलिए ध्यान के समय गैर में जो मन लगा हुआ रहता है उसको ध्यान से हटाएं, मन में उसको जगह नहीं दें। फिर देखिएगा कि पहले का संचित संस्कार खारिज हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल हुआ मन ही स्थिरता को प्राप्त होता है।